मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे इंजन में से आती हुई अलग अलग आवाजों को हम कैसे पहचान पाए। ये काम आपको सिर्फ इंजन में ही नहीं देगा, लेकिन कई अलग जगहों से अगर आपको आवाजें आ रही हैं तो उन्हें कैसे आइसोलेट करके समझा जाए, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक सामान्य मोटा सा स्क्रू ड्राइवर। ये मोटा सा स्क्रू ड्राइवर हम इंजन के अलग अलग हिस्सों में लगाकर इसे ऐसे कानों में लगाकर इसकी आवाज़ सुनेंगे। अब फायदा ये होता है कि जब आप इसको इंजन के अलग अलग हिस्सों में लगाओगे तो उसमें से निकलने वाली जो वाइब्रेशंस हैं वो इस स्क्रू ड्राइवर से पास होकर जब अपने कानों तक पहुँचती है वो एम्पलीफाई हो जाती है, वो बढ़ी हुई स्वरूप में आती हैं। इसकी वजह से आप जब इसे सुनोगे तो अलग अलग हिस्सों में से अलग अलग फायरिंग की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। इस स्क्रू ड्राइवर टेस्ट की सबसे अहम या ज़रूरी फ़ायदा आपको ये आता है, जब आप कोई भी गाड़ी का कार्बोरेटर सेट कर रहे हो तब आप इसको इस्तेमाल करें, ताकि इंजन के अंदर चलती हुई जो कंबशन की आवाज़ें हैं वो कंबशन की आवाज़ आप जब एयर का हेड खोलोगे तो आवाज़ में बदलाव आएगा, जब आप पेट्रोल का हेड खोलोगे तो आवाज़ में बदलाव आएगा, लेकिन आप दोनों हेड साइमल्टेनियसली जब खोलते जाओगे या बंद करते जाओगे तब आपको एक समय ऐसा आएगा जब आपका इंजन आपको परफेक्टली स्मूथ कंडीशन में सुनाई देगा। उस समय पर लाकर अगर आप रोक दोगे तो आपका इंजन बेस्ट फायरिंग सीक्वेंस में आ जाएगा। तो आइए सुनते हैं हम इस आवाज़ को। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि ये स्क्रू ड्राइवर इंजन के अलग अलग हिस्सों में लगाने के बाद में आवाज़ों को आइसोलेट करना कितना आसान हो गया है। जैसे एक डॉक्टर के गले में हमेशा एक स्टेथोस्कोप रहता है, वैसे हर मैकेनिक के पास ये एक स्क्रू ड्राइवर सरीके का होना चाहिए जो इंजन के आवाज़ सुनने को उसे मदद करे। दोस्तों, ये स्क्रू ड्राइवर उस तरीके से काम करेगा जैसे आप कार्बोरेटर सेट करते वक्त अपने खुले कानों से आवाज़ सुनने की कोशिश करते हो। अगर आप ये स्क्रू ड्राइवर से सुनकर कोशिश करोगे तो आपको आधा आटा अगर आपने एयर हेड खोल दिया या आधा आटा आपने पेट्रोल हेड खोल दिया तो इंजन में आता हुआ स्मूथनेस या रफनेस आप समझकर कार्बोरेटर ट्यूनिंग एक सही हिस्से में कर पाओगे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।